बहुत ही सुंदर, क्यूट सा, सारे चीक्स है, लाजवाब, बहुत ही सुंदर है दादा, सावधानी से अभी रख दो। अब अंदर रख दीजिए दादा। यहाँ देखिए, यहाँ एक बंगाली फिंच ऐसे करके बैठा है, हमको लग रहा है कि अंडा ले किया है। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर। ये है उज्जवल दा और ये है मेरे छोटे भाई देवाशीष और हम सभी करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, समर सीजन, और आज टेम्परेचर करीब करीब 40 डिग्री ऐसी कुछ होगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल तैयार हो गया है एक फिंचेस का ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए। और तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विश्वजीत जिनका ब्रीडिंग फार्म हम लोग विजिट करेंगे। नेशनल हाईवे को छोड़ के थोड़ा सा गांव का अंदर आना पड़ा और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं गांव का अंदर जाके मतलब घूमना, और उसका अंदर ऐसे ब्रीडिंग फार्म, ये तो और भी अच्छा है। तो चलिए अंदर जाते हैं और विश्वजीत दास से मिलते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारा फार्म विजिट किया हूँ, जिन लोगों का ब्रीडिंग फार्म ऐसे एनवायरनमेंट का अंदर है, मतलब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ बिल्कुल हरियाली है और ये सुंदर सा रास्ता, छोटा सा एक रास्ता है उनका घर तक पहुंचने के लिए, और घर का बगल में ही उनका ब्रीडिंग फार्म है। तो ऐसे जो ये जो नेचर है, ऐसे नेचर के अंदर बर्ड्स का तो तबीयत भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, कोई बीमारी भी होने का चांस बहुत ही कम रहता है और ब्रीडिंग भी अच्छा मतलब होता है, इसीलिए ही ये लोग सक्सेसफुल ब्रीडर है। यही दादा का घर है, विश्वजीत दा का घर, और उसका बगल में उनका ब्रीडिंग फार्म। तो चलिए विश्वजीत दा से पहले मिल लेते हैं। इससे पहले भी विश्वजीत दा का वीडियो मतलब शेयर किया था ऑलरेडी, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। तो दादा फिर से आए हैं आपका ब्रीडिंग सेटअप फिंचेस का। अभी कितना पेयर है टोटल? अभी ब्रीडिंग चल रहा है 100 पेयर। 100 पेयर का ब्रीडिंग चल रहा है? चल रहा है। टोटल कितना पेयर है? टोटल 150 पेयर है। और ये अभी तो समर सीजन है, करीब करीब अबाउट 40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब अभी जो तापमान है, तो इसमें आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या क्या मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो अंदर जाके हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, और वही आपका जो नॉलेज है वो सारे व्यूअर्स के साथ हम लोग शेयर करेंगे। इसका कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन गांव में तो ये सब चलता रहता है, अगर किसी के घर में कोई भी जाता है तो थोड़ा बहुत ये दीदी ये क्या है? ग्लूकॉन डी। बार्स को भी हम लोग कभी कभी देते हैं, ORS और इलेक्ट्रोड हम लोग देते हैं, और एक ग्लूकॉन डी हम लोग। मैं जो देख रहा हूँ एलोवेरा, इसका तो बून का अंत नहीं है, जितना कहूँगा एक कम ही हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं और बर्ड का ऊपर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। विश्वजीत आप बैठिए, बैठिए दादा। उसके लिए भी यूज करता हूँ और बर्ड के लिए भी यूज करता हूँ। मतलब ऐसे ही उखाड़ के दे देते हैं खाने के लिए, वो लोग खाते हैं? हाँ हाँ जी। तो ये खाने से क्या होता है दादा? वर्म के लिए ज़्यादा अच्छा काम होता है, पेट में जो वर्म वगैरह होता है वो काम करते हैं, और लीवर भी स्ट्रॉन्ग होता है दादा। दादा तो एक बार टेस्ट करके आप देखना पसंद करेंगे? टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब है। बढ़िया, तो पहले मैं टेस्ट करके देखता हूँ। चलिए विश्वजीत जाते हैं अंदर। चलिए आइए दादा। ये इससे पहले मैं जब आया था तब देखा था यहाँ शायद एक छत था, छत का ऊपर था। हाँ, वो क्या आपने खोल दिया? खोल दिया मैंने। सू खोल के जाता हूँ? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। नहीं दादा, दादा ठीक है, चलिए दादा। बात करने से पहले थोड़ा पूरा सेटअप एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ सारे ब्रीडिंग सेटअप, वहाँ सारे फिंचेस का चिक्स मटकी का अंदर, बात मैं क्लियरली आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ है बंगाली फिंचेस दादा, ये सबको यहाँ मतलब ये सब अभी एडल्ट नहीं हुआ है? नहीं, नहीं, एडल्ट हो गया, मेरा टाइम नहीं है, तबीयत खराब है। अच्छा, इसलिए अलग नहीं किया हूँ। ओ मतलब ये भी एडल्ट हो चुका है? है अभी, सिर्फ जो करना है सेपरेट करके ब्रीडिंग सेटअप बनाना है। लाजवाब, बहुत ही सुंदर। पहले तो यही केस था,
और बाद में इतना घना नेट देके बनाया अच्छा हुआ, मतलब वो चुहा चुहा के हाँ, इससे पहले जो वीडियो बनाया था आपने बताया था कि आपका बहुत सारा फिंचेस बार्ड्स को दादा चूहा ने आके ना किसी का टांग काट देते हैं, पकड़ लेते हैं बाहर से आपके पास। अच्छा यहाँ बहुत सारा एक ही साथ छोड़ के रखे हैं। हाँ ये तो सेमी एडल्ट हो गया, ये अलग करना है अभी। अच्छा ये क्या आपका फार्म का ही है? खुद का ही है, खुद का फार्म का सारे चीक है नीचे भी। अच्छा नीचे मतलब अच्छा यहाँ ब्रीडिंग सेटअप यहाँ से स्टार्ट होता है और इस साइड जो है सारे चीक्स अपने रखे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ सारे ब्रीडिंग सेटअप है ना। इसमें बार्ड्स है या नहीं, खाली नहीं है? इसमें खाली है, वो सब रखना है ये इसमें। जो चीक से वो अलग किया नहीं अभी। और सब बार्ड्स का ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे, उससे पहले दादा आप थोड़ा बता दीजिए कि इस गर्मी का मौसम में बहुत लोगों का कहना है कि गर्मी का मौसम में वो लोग ब्रीड नहीं लेते हैं, आप फिंचेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं ये तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा ब्रीड होता है। ओ मतलब दूसरे बार्ड्स को जैसे हम लोग गर्मी का टाइम रेस्ट देते हैं, लेकिन फिंचेस का गर्मी का मौसम में समर सीजन में सबसे अच्छा ब्रीड होता है। और यहाँ तो मैं जो देख रहा हूँ सारे मटकी का अंदर, नेस्ट का अंदर चीक्स और अंडा है। और अभी थोड़ा बता दीजिए कि अभी फिंचेस का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? जैसे ये व्हाइट फिंचेस ऊपर जो व्हाइट फिंचेस, इसका अभी पेयर कितना चल रहा है ब्रीडिंग पेयर? तो व्हाइट का 200 चल रहा है, 200 और जेब्रा का 180, जेब्रा का 180 और बंगाली का, बंगाली इसका तो मान लीजिए एक महीने का चीक, हाँ 320 रुपये, 320 रुपये थोड़ा महंगा है। क्या अवेलेबल है ज़्यादा? नहीं नहीं बंगाली तो ज़्यादा नहीं मिलता इसीलिए किसी ने नहीं। अच्छा गोल्डन फिंच, गोल्डन आपने जैसे बोला कि अगले हफ्ते यहाँ आने वाला है, फिंच आएगा वो 2500-2800 रुपये लेगा, 2500-2800 रुपया। अच्छा 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 लेगा। लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल तो 1300 रुपया बोल रहा है, 1300 रुपया पेयर, पेयर एडल्ट पेयर या बच्चा? अच्छा सब बच्चा है। अच्छा अच्छा और दादा गर्मी के मौसम में आप जैसे आपने जैसे बताया कि सबसे अच्छा ब्रीडिंग होता है फिंचेस का, लेकिन इन लोगों को मेडिसिन क्या क्या देते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे गर्मी का मौसम में जैसे हम लोग क्या करते हैं, सारे बार्ड को ORS देते हैं, इलेक्ट्रोल देता है वगैरह वगैरह? ऐसे कुछ नहीं है, बच्चा जब हैच होगा अंडा से, हाँ ये 7 दिन कंटिन्यू चलता था। अच्छा तो ये 3 दिन हो गया है, 3 से 4 दिन हो गया एम्बीप्लेक्स, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन मतलब जब बच्चा हैच होगा, हैच होने से 4-5 दिन तक, क्योंकि एक ही साथ तो हैच नहीं होता है, 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि हैच होने के बाद वही पानी अगर उसका पेरेंट्स चिक्स को फीड कराएगा तभी चिक्स का हेल्थ ग्रोथ अच्छा होगा, इसलिए हम लोग एम्बीप्लेक्स देते हैं। सर्दी का मौसम में तो कितना दिन देते हैं, 4-5 दिन? नहीं नहीं सर्दी का मौसम में 7 दिन देते हैं, 7 दिन देते हैं। और गर्मी का मौसम में 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। और जो देख रहा हूँ भाई मिनरल है तो मल्टी विटामिन है, हम लोग कैसे करते हैं कि गर्मी का मौसम में ये तो बिल्कुल भी हफ्ते में एक दिन करके देते हैं, और आप कैसे देते हैं? ये भी 3 दिन हफ्ते में, 3 दिन। और सर्दी का मौसम में? सर्दी के मौसम में 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन ही देते हैं। और ऑस्टोवेट वो भी 3 दिन, ये तो कैल्शियम है, कैल्शियम, हाँ गर्मी के टाइम 3 दिन, गर्मी का मौसम में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन। और ये यहाँ जो देख रहा हूँ ये लिफ लिफ लीवर के लिए तो ज़्यादातर यूज नहीं होता है। अच्छा जब लीवर का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम इंडाइजेशन वगैरह होता है तभी ये देते हैं। और फिंचेस का तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ठंड लगने की, एक ही सबसे ज़्यादा बीमारी होता है। और अभी तो गर्मी का मौसम है, और यहाँ जो देख रहा हूँ इतना गर्मी का अंदर हम लोग, दादा हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप थोड़ा सा भी गर्मी फील कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं ऊपर जो शेड है ना बहुत ही अच्छा बढ़िया बना, स्ट्रॉ का लेकिन हाँ लेकिन यहाँ अवेलेबिलिटी है स्ट्रॉ का, इसलिए दादा ने बनाया, लेकिन शहरों में तो ये ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी दादा का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, और दक्षिण का जो हवा, यहाँ से जो हवा आता है एकदम क्या कहूँ, दिल को ठंडा पहुँचा देते हैं। और ऐसे हम लोग भी तो बहुत अच्छा रहते हैं, और सारे बार्ड्स तो हेल्दी रहेगा ही। और गर्मी का मौसम में जो प्रॉब्लम होता है ब्रीडिंग में, इनका तो होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। हमको ये लग रहा है कि गर्मी का मौसम में भी आप पर्दा डाल के रखते हैं, तेज हवा यहाँ पे होता है ना, वो तेज हवा, इतना तेज हवा भी, इतना गर्मी का मौसम का अंदर भी इतना तेज हवा फिंचेस बार्ड्स के लिए सही नहीं रहता है। बढ़िया बढ़िया। और एक चीज बताइए दादा, ये जो मेडिसिन आपने बताया देते हैं, ये हम लोग जैसे देता है मल्टी विटामिन और कैल्शियम एक ही साथ मिक्स करके दे देते हैं, आप कैसे देते हैं बताइए? एक एक करके देता हूँ, एक हफ्ते एक मतलब? में एक एक, मान लीजिए पहले अंडा जब हैज होगा, हाँ एम्बीप्लेक्स,
तीन दिन डाल दिया, तीन से चार दिन। हाँ, उसके बाद मल्टी विटामिन मतलब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक समझ लेने दीजिए पहले ठीक से। एक हफ्ता में सात दिन होता है, चीक हैच हो रहा है, समझे, आज संडे चीक हैच हुआ, आज से लेके संडे मंडे ट्यूजडे तीन दिन हम क्या देंगे एम्बीप्लेक्स। उसके बाद एक हफ्ते में तो सात दिन होता है, हमने तीन दिन दिया, बाकी चार दिन, बाकी चार दिन कुछ नहीं, प्लेन नॉर्मल, बाकी चार दिन प्लेन वाटर। मतलब एक हफ्ते सात दिन का अंदर हम लोग मेडिसिन यूज करेंगे तीन दिन, और मतलब बाकी चार दिन ऐसे ही प्लेन वाटर। तो पहले दे दिया एम्बीप्लेक्स और मल्टीविटामिन भाई मिनरल, एक ऐसे देंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक समझे, फिर संडे से संडे मंडे ट्यूजडे तीन या चार दिन भी हम दे सकते हैं, बाद और चार दिन छोड़ दीजिए। मतलब हफ्ते में एक एक मेडिसिन को दो या तीन दिन करके हम लोग देंगे, बाकी का जो दिन रहेगा, अगर तीन दिन दिया तो बाकी का चार दिन, अगर चार दिन दिया तो बाकी का तीन दिन, ऐसे ही प्लेन वाटर हम लोग देंगे। तो एक ही साथ मिक्स करके कुछ नहीं देंगे, अलग अलग मेडिसिन के लिए एक एक हफ्ता में दो या तीन दिन करके देंगे, गर्मी का मौसम में, समर सीजन में। और सर्दी का मौसम में, सर्दी का मौसम में तो सात दिन करके, मतलब ऐसे ही करेंगे, हफ्ते में एक ही मेडिसिन चलेगा कंटिन्यू सात दिन। मतलब भाई मिनरल दे रहे हैं मल्टीविटामिन तो कंटिन्यू सात दिन, ऑस्टोबेट जैसे कैल्शियम दे रहे हैं तो हफ्ते में एक लगातार सात दिन। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला। और एक चीज़ बताइए मेडिसिन के बारे में कि आप प्रैक्टिकली थोड़ा करके दिखाइए कि हम लोग मेडिसिन कैसे दें। मैं तो बताता हूँ कि लीटर के हिसाब से, ml के हिसाब से, इतना बड़ा कप में आपने पानी दिया और पानी इतना नीचे, इतना नीचे दिया, तो यहाँ बैठ के वो मतलब मतलब पी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे छोटा कप देंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहा लेता है। ओ अच्छा, देखिए इतना बड़ा कप और पानी देखिए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 ml होगा, ठीक है। यहाँ बैठ के वो लोग आसानी से नहा नहीं सकते हैं, लेकिन छोटा कप में देंगे तो नहा लेगा, और नहा लेगा तो फिंचेस का प्रॉब्लम जो है ठंड लगने का, वो होने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा बड़े कप होना चाहिए और पानी 20 से 25 ml होना चाहिए। तो वो अगर हर रोज नहीं नहा पाएगा तो ठंड लगने का भी चांस कम रहता है, और फिंचेस का एक टेंडेंसी रहता है, अगर कहीं भी पानी उन लोगों को मिल जाएगा तो जाके पहले नहा लेगा, यही प्रॉब्लम है। तो आप प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए कि मेडिसिन आप कैसे देते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, इतना बड़ी कप लेकिन पानी 20 से 25 ml, और वहाँ जो मेडिसिन देना है ऐसे एक ड्रॉप ऐसे एक ड्रॉप, और अभी इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। और मल्टी विटामिन कितना क्वांटिटी देते हैं एक पेयर फिंचेस के लिए, यहाँ से एक कप निकालता हूँ, देखिए ये भी इतना बड़ा कप है लेकिन पानी 20 से 25 ml, और मल्टी विटामिन जब आप देंगे एक पेयर फिंच बर्ड के लिए ऐसे एक ही ड्रॉप, मतलब एक पेयर के लिए। और ये पानी क्या हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा या ऐसे ही पूरा दिन हम पूरा दिन, पूरा दिन, पूरा दिन चेंज होगा, शाम को चेंज होगा, रात में क्या पानी रखते हैं? नहीं नहीं, रात को पानी नहीं रखते, बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों को मेडिसिन देना है एक बूंद, ठीक है। ये कोई मतलब सेपरेट केज के लिए, लेकिन एक लीटर में कोई क्वांटिटी होता है? एक लीटर में अगर किसी ने कॉलोनी बनाया है, एक लीटर में एम्बीप्लेक्स आएगा 5 से 7 ml, 5 से 7 ml, भाइमिरल आएगा 2 से 3 ml, 2 से 3 ml, और ऑस्टोबेड आएगा 5 से 7 ml, 5 से 7 ml। कॉलोनी में ब्रीडिंग करा रहे तो एक लीटर पानी में एम्बीप्लेक्स जो है ये 5 से 7 ml, भाइमिरल 2 से 3 ml, और ऑस्टोबेड 5 से 7 ml, और कंटिन्यू करना है गर्मी का मौसम में हफ्ते में सात दिन का अंदर तीन दिन, बाकी चार दिन प्लेन या बाकी तीन दिन प्लेन वाटर, और सर्दी का मौसम में पूरा कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो रेस्ट देना सही रहेगा सर। नहीं नहीं, ये तो जब अंडा देगा तब से बच्चा जितने टाइम तक अलग नहीं होता, अच्छा उतना टाइम तक मेडिसिन चलेगा। फिंचेस का ब्रीडिंग का अंदर और बजीस आपको क्या लगता है, किसमें ज्यादा फायदा है? मुझे तो फिंचेस का ज़्यादा फायदा लगता है। हाँ, लेकिन प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट तो है नहीं। हाँ, तो हिसाब से मान लीजिए बजिस का 300 चल रहा है और ये 200 का चल रहा लगता है। ओ, एक बार क्लच खत्म करने के लिए 3 महीना लगता है, लेकिन यहाँ पे मेरे 2 बार हो जाएगा, 3 महीने उसी टाइम में इसका दो बार ब्रीड हो जाएगा। हाँ, ये तो फायदा की बात है। नंबर टू, ये तो खर्चा कम, बहुत कम है। अच्छा अच्छा, खाना के लिए खाना कम खाते हैं, थोड़ा सा खाना आप डाल देंगे तो चलेगा, चल जाएगा। यहाँ पे मेरा, यहाँ पे तो 150 पेयर है अभी। हाँ, महीने में 1000 रुपया खर्चा आता है।
कंगनी दाना दे दे 150 पेयर 150 पेयर दादा के पास फिंचेस बार्ड्स अभी है यही सेटअप के अंदर, और पूरा खर्चा खाने का जो खर्चा आता है वो सिर्फ 1000 रुपया। अच्छा यहाँ मैं जो देख रहा हूँ छोटे दाना कंगनी, छोटे दाना कंगनी ब्लैक सीड नहीं देते? नहीं नहीं, गर्मी के टाइम ब्लैक सीड नहीं देता हूँ, और सर्दी का मौसम में क्या इसके साथ आप ब्लैक सीड मिक्स करके देते हैं? ओ बहुत बढ़िया, और गर्मी का मौसम में सिर्फ कंगनी और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, जैसे बाकी बार्ड्स पैरट्स को हम लोग बहुत तरीके का खाना देते हैं, बहुत मिले पहले तो ये वो टाइम लगता है, खाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सिर्फ हरा वाला खाना खाता है, सिर्फ कांगनी से काम चला, कांगनी से काम चल जाता है। सिर्फ एक ही चीज, अगर आप फिंचेस का ब्रीडिंग करा रहे तो खाना तो उतना अच्छा आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन विटामिन मल्टीविटामिन कैल्शियम और उन लोगों को ठंड ना लग जाए, ये तीन चार चीज का ऊपर अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा ब्रीड भी मिलेगा, मतलब आपको सक्सेस भी मिलेगा। और एक चीज बताइए, महीने में आपका अर्निंग, ये जो 100 पेयर आपका ब्रीडिंग कर रहे हैं और 50 पेयर ऐसे ही पड़ा हुआ है ब्रीडिंग के लिए, अभी तक केज में आपने नहीं डाले हैं, तो अभी जो 100 पेयर है ये 100 पेयर के ऊपर आपको मंथली अप्रोक्सीमेटली कितना अर्निंग होता है? 10,000। 10,000 हो जाता है, थोड़ा लॉजिक बताइए, 100 पेयर में आपको हर एक महीने में टोटल कितना चिक मिलता है? डेढ़ महीने, 100 में तीन महीने में, तीन महीने में, तीन महीने में आपका दो बार क्लाज होता है, मतलब डेढ़ महीने के अंदर आपको एक क्लाज। तो 100 में तो सब में चिक्स नहीं निकलता है, अच्छा, लेकिन 20 पेयर से बच्चा निकलेगा तो 100 से भी ज्यादा निकलेगा। अच्छा 100 का बच्चा यानी तो 10,000 रुपया, मतलब देखिए आपके पास 100 पेयर है, अगर 50 पेयर ने भी अंडा बच्चा किया, 50 पेयर 50% 50 पेयर के अगर तीन करके चीक आपको मिलेगा तो 150 बच्चा 150 चीक, तो 150 चीक 100 रुपया करके होगा, तो 150 × 100 मतलब 15,000 और खाने के लिए तो 1,000 1,000 मतलब 100 पेयर अगर ब्रीड करेगा तो दुगना होगा, 30,000 के करीब करीब होगा। और ये सच में हमको भी लग रहा है कि बजीस जो खाते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उससे लेकिन यहाँ एक एक जो लॉजिक है, देखिए फिंचेस का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ठंड लग जाएगा तो उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बजीस क्या होता है बहुत ही हार्डी होता है। आपको अगर सक्सेसफुल बर्ड ब्रीडर बनना है तो मैं कहूँगा फिंचेस या बजीस दोनों के अंदर किसी को एक चूज कीजिए, एक डेढ़ साल इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, तभी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी जाके महंगा बर्ड कॉस्टली बर्ड पे जाइए ब्रीडिंग कराइए, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो अभी देख लेता हूँ थोड़ा सा इस मटकी में क्या है इसका ब्रीडिंग प्रोग्रेस। यहाँ तीन या चार ऐसे कुछ चीक होगा, और इस मटकी में भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, बहुत सारा अंडा, 1 2 3 4 5 6 अंडा, वो चीक निकला है, वो मटकी निकल दिया, वो ये सारे चीक्स है एक पेयर का, इतना सारा चीक्स। तो दादा और एक चीज हम मतलब हमको बताइए कि एक पेयर फिंचेस सबसे ज्यादा कितना अंडा ले कर सकता है? सबसे ज्यादा उसके उम्र से, उम्र के हिसाब से और मेडिसिन और जैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करते हैं उसके हिसाब से। तो फिर भी जब नया बच्चा जब नया एडल्ट होता है फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है, तीन चार करके अंडा ले करता है, और फर्टिलिटी मतलब जैसे आप केयर ट्रीटमेंट करेंगे चार अंडा भी फर्टाइल हो सकता है, और तीन दो करके ऐसे चार होता है, चार तीन दो ऐसे होता है, दो तीन चार करके फर्स्ट टाइम ऐसे होता है। अच्छा, और उसके बाद से तो चार पाँच कंटिन्यूसली जो देखना पड़े तो तीन बच्चा तो निकलेगा, तीन बच्चा निकलेगा हर एक क्लच में, एक पेयर में, एक पेयर में। और सबसे ज्यादा होगा तो कितना? सबसे ज्यादा तो मेरे इसका उम्र है 2 साल से भी ज्यादा हो गया इसका, मतलब इसका इस पेयर का उम्र है। अच्छा, ये तो 10 बच्चा निकला हुआ था, हाँ अंडा दिया था 12। वो बढ़िया, मतलब यहाँ जो दादा ने जो पेयर रखे थे यहाँ इस पेयर का 12 अंडा ले किया था और 10 चिक्स हैच हुआ था, लेकिन यहाँ तो अभी 5 है। हाँ, 5 है, 5 मर गया, 5 मर गया, खराब हो गया इसलिए ट्रीटमेंट, वो आपका तबीयत खराब हो गया था इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। लेकिन और एक चीज के एक पेयर का 10 बच्चा होगा तो 10 को फीट कराना एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट। देखिए 5 चिक्स, 1 2 3 4 5, और यहाँ उनका पेरेंट्स भी है क्या? हाँ, पेरेंट्स तो है।
पेरेंट्स को कौन सा ओ, ओ, हाँ ये जो जेब्रा फिंच और उसका बगल में जो बैठा है वही दो पेरेंट्स है और बाकी का सारे चिक है। पांच चिक्स यहाँ अभी तक मौजूद है। सब में हमको जो दिख रहा है सब में कुछ ना कुछ रिजल्ट है, सब में कुछ ना कुछ रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा जबरदस्त एक रिजल्ट देखने को मिला। दो दो चार दे छह अंडा और एक व्हाइट का पेयर है। मैं दूसरा इसको खोल के देखता हूँ, यहाँ भी अंडा है दादा। और नेस्टिंग के लिए आपने क्या दिया अंदर? ये तो अभी तो घास दिया हूँ। अच्छा, और वो जो नारियल का छिलका ना वो तो नहीं मिल रहा अभी मार्केट में। अच्छा, इसीलिए नहीं दिया। और जबरदस्त बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा तीन चीक्स में हमको हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत। यहाँ नेस्टिंग किया और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। एक अंडा और शायद एक या दो चिक्स भी हैच हुआ है। बढ़िया बढ़िया ग्रेट। दादा बंद कीजिए इसको, इसको खोल के देखता हूँ। हाँ यहाँ भी अंडा। मतलब हर एक नेस्ट में हमको कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अंडा, अभी अभी एक अंडा शायद ले किया है। यहाँ भी अंडा, मैंने सोचा था ये खाली होगा लेकिन यहाँ भी अंडा। और यहाँ सारे बंगाली फिंचेस। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, थोड़ा वीडियो शूट करना मुश्किल होगा, फिर भी ट्राई करता हूँ। हाँ यहाँ भी अंडा है। यहाँ तो बंगाली फिंचेस का एक पेयर है, इसमें कुछ है दादा? हाँ। ओ ग्रेट, यहाँ तीन अंडा ले किया है इस बंगाली फिंचेस का पेयर ने। और देख के लग रहा है कि सारे अंडा फर्टाइल है। बहुत अच्छा जबरदस्त दादा, सावधानी से, नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस टाइम में। ऐसे करना सही नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सारे मटकी का अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट, और इतना अच्छा लग रहा है फिर भी मन कर रहा है कि देखूं अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और एक दो चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ चीक्स है और अंडा भी है। लाजवाब जबरदस्त बहुत अच्छा। और क्या कहूँ, सब में तो अच्छा रिजल्ट ही है। और इसमें भी रिजल्ट आया हुआ है। 100 पेयर तो चेक करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी जितना हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ तभी तक एक भी मटकी हमको खाली नहीं मिल रहा है, सब में दिखाई दे रहा है। कुछ चीक्स अंडा वगैरह कुछ ना कुछ है, देखता हूँ कहाँ हमको खाली मिलता है। और सब केज में कैटल बोन का एक टुकड़ा दादा डाल के रखे है। नहीं ये मटकी भी खाली नहीं है, यहाँ भी एक दो तीन चार पाँच छः अंडा है। जबरदस्त, जब खाली मिलेगा एक तभी बंद कर देंगे, देखता हूँ। ओ बाप रे, यहाँ खाली क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात अंडा। ठीक है, जब तक हमको खाली नहीं मिलता है तब तक हम चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ ये मिल गया खाली। ठीक है, अभी बंद करेंगे प्रोग्रेस दिखाना। ओह, और 100 पेयर, 100 मटकी चेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग प्रोग्रेस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है दादा। और एक चीज़ बताइए, अगर कोई, इससे पहले भी मैंने आपका फार्म का वीडियो बनाया, शायद बहुत लोगों ने आपके साथ कॉन्टैक्ट भी किया है, तो बताइए क्या आपने कुछ सेल किया उन लोगों को? हाँ, मैंने सेल किया। और आगे तो आपका बहुत सारा बर्ड्स आने वाला है, और आपने जैसे बताया कि बहुत सारा गोल्डन फिंच लॉन्ग टेल फिंच वगैरह आप लेके आएंगे, उन लोगों को रखेंगे क्या? यहाँ तो कुछ ही केजेस खाली है, बस इसके पीछे भी केज नया फार्म बनेगा, इसके पीछे। अच्छा, इसके पीछे आपका नया फार्म बनेगा? हाँ जी। अच्छा, कल से चालू हो जाएगा काम।
वो कल से काम चालू हो जाएगा, एक दो हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर जबरदस्त। और तो आज का इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ एक बेंगोली फिंचेस लास्ट एक ब्रीडिंग प्रोग्रेस में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ शायद ऐसे करके बैठा है, हमको लग रहा है कि अंडा ले किया है। ओ सच में यहाँ तीन अंडा बेंगोली फिंच का एक पेयर ने तीन अंडा ले किया है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। और तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। और तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।